हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट जो वीडियो था उसमें फ्री फॉल कर रहे थे और फ्री फॉल में भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हम लोगों ने इसका ग्राफ भी बनाया था, स्ट्रेट लाइन बना था, फिर हम लोगों ने एक्सेलेरेशन का भी ग्राफ बनाया था, कॉन्स्टेंट का ग्राफ बना था, डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के साथ उसका भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके कॉनकेव पैराबोला बना था, नीचे मैंने बनाया हुआ है। एन एस सेकेंड का हम लोगों ने किया था, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर के साथ रिलेशन देखा था कि अगर हम किसी बॉल को रेस्ट से ड्रॉप कर दें तो कंजिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई जो डिस्टेंसेज होंगी बॉल की वो 1:3:5:7 ऑड नंबर्स के रेशियो में। उसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखिए, जो जो भी फ्री फॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। एक तो देखिए, मैंने एटी का कर्व, वीटी का कर्व, एचटी का कर्व बता दिया, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बता दिया, चार तो ये क्वेश्चन हो गए। पांचवा जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है वेलोसिटी और हाइट जो कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसके साथ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस। वैसे यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम लाइन सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो कई बार मैं डिस्टेंस बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, यहाँ पे दोनों इंटरचेंजेबल है क्योंकि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में बदल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। देखिए, मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लगाऊं तो यू तो जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया है। 2as में a की जगह मैंने रखा g, वो भी रखा प्लस का g, और s की जगह मैंने रखा h, तो ये बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब ये देखिए, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h के साथ y इज इक्वल टू अंडर रूट x का रिलेशन है और y इज इक्वल टू अंडर रूट x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए ये बना हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x का ग्राफ। इनफैक्ट y इज इक्वल टू x स्क्वायर भी पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट x भी पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला है, बट ये वाला पैराबोला जो पिछली बार h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में बना था, ये वाला पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ये वाला पैराबोला जो बनेगा वो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, x के अबाउट सिमेट्रिक वाला पैराबोला बनेगा। तो ये हम लोगों ने पूरा नहीं बनाया है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी की एक ही हाइट पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी प्लस माइनस, इसलिए सिर्फ ऊपर का पार्ट बनाया है। तो ये वेलोसिटी का जो ग्राफ बना है पैराबोली की है, बट ये ग्राफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का है, ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आते हैं इसमें टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो जिस भी बिल्डिंग से, मीनारेट से, हाइट से ड्रॉप किया गया था, अगर वो पूरी हाइट h थी तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जितनी देर तक बॉल एयर में रहती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका निकालना होगा, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉल देखिए एयर से नीचे ग्राउंड तक आ गई है, तो इस पूरे में डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, तो मैंने लिखा h इज इक्वल टू ut, ut लिखा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस क्यों लिखा क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बन गया 2h अपॉन जी, अंडर रूट ले लेंगे तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो जो टाइम इसको लगेगा नीचे ग्राउंड तक आने में वो होगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, जो ग्राउंड तक आने में टाइम लगेगा वो कितना होगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो इसके कई क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मैंने h की हाइट से ड्रॉप किया और मैंने एक ऑब्जेक्ट को 4h की हाइट से ड्रॉप किया तो टाइम का क्या रेशियो होगा। तो कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि दो बॉल्स हैं अलग अलग मास की हैं और अलग अलग हाइट से ड्रॉप किए, तो मास का तो देखिए कोई रोल है ही नहीं नीचे पहुंचने में, सिर्फ हाइट का रोल है और टाइम और हाइट में अंडर रूट का रिलेशन है। तो अगर आप हाइट 4 टाइम्स करोगे तो अंडर रूट 4 2 हो गया, तो टाइम 1:2 डबल लगेगा, और सेम हाइट से ड्रॉप करें अगर डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट तो मास का कोई रोल नहीं होगा, टाइम सेम ही होगा। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप कर दें तो अंडर रूट 2h अपॉन जी होता है। तो इसका एक क्वेश्चन है आकाश के और एलन के मॉड्यूल में दे रखा है और जेई मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट से ड्रॉप कर दिया, बिल्डिंग की हाइट एच थी, तो अपर हाफ यानी कि अपर एच बाई टू, लोअर हाफ यानी कि लोअर एच बाई टू में जो टाइम लगेगा उनका रेशियो क्या होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही कि जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो नीचे वाला जो लोअर हाफ है उसमें टाइम ऑब्वियसली कम ही लगेगा, लेकिन वो ऐसे 1:2 नहीं होगा सीधे सीधे, तो वो रेशियो हमें निकालना है। क्या करें, तो देखिए पूरा जो टाइम होगा, पूरा जो टाइम मतलब पूरी जो बिल्डिंग की ये पूरी हाइट जो कवर करने में टाइम होगा वो तो अंडर रूट 2h अपॉन जी है। अब इसमें जो अपर हाफ है, अपर हाफ का मतलब ये जो रेस्ट से अपर हाफ चला h बाई टू, इसका टाइम कितना होगा, इसको मैंने t1 मान लिया, तो अंडर रूट 2h अपॉन जी में मैंने h की जगह लिख दिया h बाई टू। अब ये h बाई टू से ये 2 कट जाएगा तो ये आएगा अंडर रूट h अपॉन जी। अपर हाफ का जो टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट h अपॉन जी, पूरा जो टाइम लगा था वो लगा था अंडर रूट 2h अपॉन जी।
तो अब देखिए जो अपर हाफ का जो टाइम है वो पूरे टाइम का कितना है, तो अंडर रूट एच अपॉन जी, ऑब्वियसली अंडर रूट टू एच अपॉन जी का रूट टू टाइम्स कम है, तो ये ऊपर जो हमने टाइम टी लिया था उसका टी बाई रूट टू है। तो जो नीचे जो टाइम लगा होगा जो लोअर हाफ में वो कितना लगा होगा, तो लोअर हाफ अगर अलग से पूछे तो आप क्या करोगे, पूरा जो टाइम लगा है टी, उसमें जो अपर हाफ का टाइम है तो टी में से टी बाई रूट टू हटा दो, तो टी कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/√2, ये है नीचे वाले हाफ को कवर करने का टाइम, ये अगर अलग से पूछे। और अगर रेशियो पूछे अपर हाफ और लोअर हाफ का तो क्या करेंगे, T1:T2 कर देंगे, T से T कट जाएगा, तो ये हमारे जो रूट टू के टर्म्स में 1/√2/(1 - 1/√2), ज्यादा हम रूट टू को रेशनलाइज कर सकते हैं, T1:T2 से आंसर हमारा निकल आएगा। इसी तरीके से एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, रेस्ट से फ्री फॉल कर रही है, जो उसका लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन है उसमें वो पूरी बिल्डिंग की हाइट की 5/9h कवर करती है, पूरे बिल्डिंग की हाइट की कितना कवर करती है, 5/9th ऑफ द टोटल हाइट। तो हमको ये बताना है कि वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और हमको ये भी बताना है कि टोटल उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितने सेकंड ऑफ मोशन, उसका मोशन कितने सेकंड्स का, कितने सेकंड्स उसको मोशन में लगते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको अगर बिल्कुल मैथमेटिकली करना चाहें, वैसे इसका एक तरीका गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर से भी है, पर अगर इसको प्योरली मैथमेटिकली करना चाहें, मैं इसको दोनों तरीके बता रहा हूँ, प्योरली मैथमेटिकली करना चाहें तो मान लीजिए एन सेकंड का मोशन है, तो एन सेकंड के मोशन में इसने पूरी बिल्डिंग की हाइट कवर कर ली, तो ये बन गया एच इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर, ये रही पहली इक्वेशन, एच इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर, ये एच इज इक्वल टू जूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो एनथ सेकंड है, लास्ट सेकंड, एनथ सेकंड जो एन सेकंड का मोशन है तो उसमें लास्ट सेकंड एनथ सेकंड होगा, तो उसमें 5/9h चल रहा है, तो 5/9h इज इक्वल टू एनथ सेकंड का फॉर्मूला यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, तो एनथ सेकंड का फॉर्मूला यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, हाफ जो तो जीरो, हाफ जी टू एन माइनस वन। अब क्या करें, एच को रिप्लेस कर दें, इन दोनों इक्वेशन में एच की वैल्यू डिवाइड कर दें, या फिर एच की वैल्यू पहली इक्वेशन से दूसरे में रख दें, तो 5/9 हाफ जी एन स्क्वायर, इधर भी हाफ जी से कट जाएगा, तो 5/9 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n-1, इस 9 को उधर ले आए और एन स्क्वायर, एन और ये जो टर्म है ये सारे एक साथ एन में एक क्वाड्रेटिक बना लें, और फिर सीधा चार लगा लें, सीधा चार, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो देखिए n की वैल्यू आ गई 3, जैसे ही n की वैल्यू 3 आएगी तो आप इस n की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हाफ इंटू जी एन स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 90/2 45 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर रही होगी। अच्छा ये तो हो गया मैथमेटिकली सीधे इक्वेशंस में रख के, हमने डिस्प्लेसमेंट का लगाया और nth सेकंड में डिस्टेंस का लगाया। आपके पास एक और तरीका है, वो तरीका ये कि आप गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर लगा लो, भाई ग्राउंड तक पहुंचने में 2, 3, 4, 5 कुछ सेकंड ऑफ मोशन लग रहे होंगे, तो मान लीजिए ये मोशन 2 सेकंड का होता, तो पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15 का मोशन होता, तो जो लास्ट सेकंड वो दूसरा सेकंड वो टोटल का कितना होता, तो 15/20 3:4 होता। अच्छा अगर 3 सेकंड का मोशन हो तो 5, 15, 25, गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर 5, 15, 25, 1:3:5, लास्ट सेकंड में कितना 25, टोटल कितना 25, 15, 40, 45, तो 25:45, 25:45 कितना आया 5:9, बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर है कि 3 सेकंड का मोशन रहा होगा, लास्ट सेकंड में 25 चला होगा, टोटल 45 चला होगा। इसी तरह से आप 4 सेकंड, 5 सेकंड में आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, और बड़ी एक तरीके से शॉर्टकट हो गया, बड़ी इजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू।